السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون मुहतरम नाजरीन मुहतरम सामीन आज की इस मजलिस में आप तमाम का इस्तबाल है पारा नंबर छः के इब्तदा में अल्लाह रब्लम ने आयत नंबर एक सौ अड़तालीस में एक सौ उनचास में वन फोर्टी एट वन फोर्टी नाइन में कहा कि किसी की बुराई का चर्चा अल अला मत करो लाबालबू अमिन इसलिए कि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता इल्ला हाँ जिस पर झुलम हुआ हो जिसको सताया गया हो मारा गया हो जो मज़लूम हो वो लोगों को बता सकता है कि मुझ पर जुल्म हुआ है और फ़ला इंसान ने जुल्म किया है फिर अल्लाह ने हजरत ईसा सालातम के कत्ल की साजिश करने वालों का और उसके बाद उनका ज़िंदा आसमान पर उठा लिया जाना इसका तस्करा किया है और कहा वामा कतलू हो वमा सौलाबू हो शुभ भी हल ईसाई अकीदा रखते हैं ईसा सलाम को सूली दे दी गई ये सच्चाई नहीं है अल्लाह ने कहा ना उन्हें लोगों ने कत्ल किया ना सूली दी बस शक व शुबे में पड़ गए कि अल्लाह ने उन्हीं की जैसी शक्लो सूरत का एक इंसान अल्लाह ने बना दिया और उसी इंसान को लोगों ने फांसी दे दी ईसा सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया तो लोगों ने यह समझा कि हमने ईसा को फांसी दी या ईसा आल सलाम को फांसी दे दी गई अल्लाह ने कहा वला शुभ हल ये लोग शको शुबे में हैं जबकि ईसा आल सलात वाम न कत्ल किए गए न सूली दी गई बर्रफा हुई बल्कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया अकीद तसलीस के बातिल नज़रिए के अल्लाह ने तरदीद की कहा वला तकुलसला था कि लोगों ये मत कहो कि गॉड तीन हैं अल्लाह तीन हैं जैसा कि बहुत सारे लोग अकीदा रखते हैं ईसा सलातलाम और उनकी माँ हजरत मरियम आल सलासलाम और अल्लाह कहते ये तीन गॉड है वला तकुलसला था अल्लाह ने कहा कि ये अकीदा मत रखो कि अल्लाह रब तीन है इनमल वाहिद सिर्फ एक है और वही पूरी कायनात का पूरी दुनिया का सिस्टम चला रहा है यहाँ पर सूर नशा ख़त्म होती है उसके बाद सूरतम्मादा का आगाज़ होता है माइदा का मतलब दस्तर ख़ान जिस पर बैठ कर हम खाना खाते हैं इसका नाम माइदा क्यों इसलिए कि इस सूरह के अंदर एक दस्तर ख़ान का तस्करा है जो पारा नंबर सात में अल्लाह ने जो बयान किया है इन श्ला पारा नंबर सात वाली जगह पर हम उस मायदा का उस दस्तर खान का तस्करा करेंगे अल्लाह ने सूरा की इतदा में कहा या बिल आनुफुबिल्कूत ईमान वालों जो वादा करो जो एग्रीमेंट करो जो जो प्रॉमिस करो किसी से उसको ज़रूर पूरा करो और याद रखो व तयवन अलबिर तकवा कि नेकी तकवा के काम पर एक दूसरे की हेल्प करो मदद करो वाल वनुल्सम और गुनाह के दुश्मनी के काम पर आपस में एक दूसरे की मदद मत करो अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मानों में अक्लमंद हो हराम चीज़ों की तफसील अल्लाह ने बयान की दीन की तकमील का ऐलान किया अलिमहकमल तो वर से तो इस्लाम दीना अल्लाह ने कहा कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमत को पूरी कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया मैं इस दीन से खुश हूँ किताबिया औरत से निकाह के शराइत अल्लाह ने बयान किए कि अगर आप किसी किताबिया यानी किसी यहूदिया औरत से किसी ईसाई औरत से शादी करना चाहते हैं तो इजाज़त तो है लेकिन उसके लिए शर्त है अल्लाह ने कहा अलोम तदीन उतुल किताब अहमत वलमसनालमसनात मिनब अबिन कब्ल को मुसाफिन ये आयत नंबर पाँच में आप देख सकते हैं कि उसके शराब क्या है उसके बाद अल्लाह ने आयत वजू और यानी वज़ू का तस्करा किया है कि किस तरीके से वजू बनाना है का तैमरा किया कि तैम कब किया जाएगा फिर अल्लाह ने आयत नंबर अठारह में यहूदियों और ईसाइयों का एक बातिल ख्याल जिक्र किया और उसकी तरद की यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहते हैं ईसाई भी कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहेते हैं अल्लाह ने कहा वकालत वही कुल फलीमयु अजीबों को यहूदी ईसाई कहते हैं अल्लाह के बेटे उसके चहेते हैं महबूब हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए फलीमय अजीब को बेजनूबी को फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर सज़ा क्यों देता है अगर तुम उसके महबूब हो उसके बेटे हो बल अंतुम बशरुम मन खलक बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से इंसान हो वो जिसे चाहता है अजाब देता है जिसे चाहता है माफ़ करता है ये तुम्हारा ख्याल बातिल है तुम्हारी ये सोच गलत है फिर अल्लाह रब्लमी ने आयत नंबर ट्वेंटी सेवन से थर्टी वन में हज़रत आदम सलातम के दो बेटों काबिल और हाबिल का तस्करा किया है इन दोनों का वाक़ बयान किया है कि किस तरीके से हाबिल की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसका सदक़ा कबूल नहीं हुआ तो काबिल ने हसद की आग में जल कर को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद बहुत पछताया बहुत नादिम हुआ फ़ासब अमिन नादिन बहुत पछताया ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल था जो एक भाई ने अपने भाई का किया हसद की आग में जल कर हसद से बचें महब्बत को फरोग दें महब्बत का कारोबार करें किसी को वजह परेशान न करें किसी को सताने से बचें अल्लाह ने इसीलिए उसी वक्त से ये फ़ैसला कर दिया इंसानों को तालीम दे जमीअ जो एक इंसान को कत्ल करे जो ना हक बगैर किसी वजह के किसी एक इंसान को कत्ल कर दे गोया कि वो पूरी इंसानियत का पूरे इंसानों का कत्ल करने वाला है और जो एक को बचा ले फा सा जमिया तो गोया कि वो पूरे इंसानों को जिंदगी दे रहा पूरे इंसानों को बचा रहा है फितना और फसाद की शरा सज़ा क्या है इन न व रसूल वैसा फिलहाल फसादा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं ज़मीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सज़ा क्या है? हैलु या उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और युसल्लबु, या उन्हें सूली दे दी, दी जाएगी और तो और मिन खिलाफ या उनका राइट हैंड और लेफ्ट लेग या लेफ्ट हैंड और राइट लेग कत्ल कर दिया जाएगा और मिनल आर्दी या उन्हें ज़मीन से जिला वतन कर दिया जाएगा उस मुल्क से भगा दिया जाएगा जालिक फ़िद दुनिया ये फितना और फसाद फैलाने की दुनियावी सज़ा है दुनियावी रसवाई है वलहुम वलम अज़ाबुन अज़ीम और ऐसे लोगों के लिए आख़िरत में बहुत बड़ा अजाब है हाँ अगर कोई दुनिया में तोबा कर लेता है तो दुनिया की सज़ा तो उसे मिलेगी लेकिन आखिरत की सज़ा से वो अपने आप को तोबा के ज़रिए बचा सकता है वसीला और उसका माना मफूम अल्लाह ने बयान किया कि ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसका कुर्ब तलाश करो वब इलेहिल वसीला और उसका कुर्ब तलाश करो उसके करीब पहुँचने वाले अमाल करो वब वसीला तवजाहिदु फी ही लअल्लकुम समी ताकि तुम कामयाब हो जाओ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला की तीन शक्लें शरत इस्लामिया ने जायज़ करार दी हैं अल्लाह के अच्छे नामों का वसीला अपने नेक अमाल का वसीला और किसी जिंदा नेक इंसान की दुआ का वसीला इन तीन वसाइल को छोड़कर बक़िया जो वसाइल लोगों ने इख्तियार कर रखे हैं जो भी तरीक़े अपना रहे हैं अल्लाह के करीब पहुँचने का वो गैर शरी वसीला है शरियत इस्लामिया ने उन्हें जायज़ करार नहीं दिया है चोरी की सज़ा जिक्र की व हुमा कि चोर चाहे वो मर्द हो या औरत हो उसके फ़क्ताओमा उसके हाथ काट दिए जाएंगे ये आयत नंबर थर्टी एट में अल्लाह ने बयान किया और उसके बाद की आयतों में अल्लाह हरब्लामीन ने किताब को लाजिम पकड़ने और उसी के मुताबिक फ़ैसला करने का हुक्म दिया एहसास का इसी बीच में तस्करा किया और ये कहा कि जो इस किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता फलाय का हमुलकाफ़िर हमलिम हमुलफ़ाशो अल्लाह ने कहा कि किताब के मुताबिक फ़ैसला ना करने वाले लोग काफिर हैं ालिम हैं और फासीिको फाजिर हैं फिर अल्लाह ने अहले ईमान की सफ़ात बयान की कि अहिल ईमान कौन हैं ये अल्लाह से महब्बत करते हैं और अल्लाह से महब्बत करता है युब्ब हो मब्बू ना अदी मुसलमानों के लिए नरम दिल होते हैं अल अलकाफ़रीन काफ़िरों के मुकाबले में सख्त होते हैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करते हैं वला ख़ाफून अल तलाम और किसी की भी परवाह नहीं करते हैं ये अल्लाह का फसल है जो अल्लाह ने इन्हें दे रखा है फिर अल्लाह ने यहूदियों के एक और बातिल अकीदे की तरदीद की यहूदी कहते थे कि अल्लाह के हाथ बधे हुए हैं यानी अल्लाह बखील है वक़ालत यह मगलूल गुल्लत बे माकाल बलाह मबसूान यहूदियों ने यह कहा ने कहा ये इनका दावा गलत है इनकी सोच गलत है और इस बात के कहने की वजह से उन पर लानत नासिल की गई अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं वो जैसे चाहता है खर्च करता है जिसको चाहता है अता करता है तबलीग किस चीज़ की करेंगे आप या अय्युहर रसूल मा मिन रब्बिक के उनबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आपके रब की तरफ से आपके पास नाजिल किया गया है आप उसकी तबलीग करें व तफअल फमा फमहबल्लासा लता अगर आप उसको छोड़कर किसी और चीज़ की तबलीग करते हैं तो गोया कि आपने अपने पैगंबर होने का हक़ हाँ अदा नहीं किया पता ये चला कि हमें कुरान और हदीस की तबलीग करनी है उसके अलावा किसी और चीज़ की तबलीग नहीं करनी है आयत नंबर 78 से 79 में बनी सराइल पर लानत नाजिल की गई तो क्यों लानत नाजिल की गई उसके इसबाब बयान किए गए हैं ज़ाली कभी असोखान यात दौन पहली बात तो ये कि ये लोग नाफरमान थे दूसरी दूसरी वजह ये कि ये लोग हद से तजावज़ करने वाले थे तीसरी वजह ये कानूलायतनाहु नाम अमुन करिन फालो ये इनकी निगाहों के सामने कोई गलत काम होता था लेकिन फिर भी ये लोगों को गलत काम करने से रोकते नहीं थे हम भी ये कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हम अपनी इस हरकत की वजह से अल्लाह की लानत का अपने आप को मुस्क बना लें आखिरी बात जो इस बारे के अंदर अल्लाह ने बयान की है वो ये कि यहूद मुसलमानों के सबसे सख्त तरीन दुश्मन हैं ये कभी भी मुसलमानों के खैर खा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते अदावत लदीन अदावली यहूद कि आप लोगों में सबसे बदतरीन दुश्मन ईमान वालों का अगर किसी को पाएंगे तो यहूदी हैं इसलिए हमें यहूदियों से होशियार रहना चाहिए उन्हें अपना दुश्मन समझना चाहिए और अगर हमारी तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो उनकी चाल है ये उनकी साजिश है ये आपके बीच में तफ़रक़ा पैदा करने का इसलिए होशियार रहें ये बातें थी पारा नंबर छः के ख़ुलासे के तौर पर आपके सामने पेश की गई अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें क़ुरान से मोहब्बत करने उसकी तिलावत करने के मानी व मफाहिम को समझते हुए इस पर अमल करने और इसकी जानब दूसरों को दावत देने की तोफ़ी कतः फरमा आमीर वल्ह नबील रब्बनाकब्बर मकान वसलम वरम व